हरियाणा प्रदेश में परीक्षाओं को लेकर आए दिन सवाल खड़े होते रहते हैं। बता दें, एक बार फिर हरियाणा HPSC रिश्वत का मामला सामने आया, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। सर देखो, पारदर्शिता तो आप सबके सामने है। मैं अपनी ये OMR है, मेरी OMR दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे 62 नंबर, ठीक है, और मेरी ही शिफ्ट में, मेरे ही कोड में और मेरी ही डेट में, मेरे से कम नंबर वाले का मेरी ही कैटेगरी में, उसका PST के लिए नाम आ चुका है, ठीक है, बट मेरा नाम नहीं आया। तो आपको सरकार की पारदर्शिता तो मैं साफ दिखाना चाह रहा हूँ, यही पारदर्शिता है। पारदर्शिता कुछ नहीं है, सरकार के जितने भी जानकार है, जिनके जिनके ऊपर तक पहुँच है, जिनके पास पैसे हैं, वो देख के और अपना नाम ला रहे हैं फिजिकल में, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ जो अब्सेंट बच्चे हैं उन तक का भी नाम बता रहे हैं, उन तक का भी नाम आ रहा है, तो देख लीजिए आप कितनी पारदर्शिता है सरकार का। जहाँ अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती के दौरान पैसे और भाई भतीजावाद का खेल खेला गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि वो अदालत के दरवाजे खटखटाएंगे। उन्होंने मांग की कि रिजल्ट को सार्वजनिक किया जाए, ताकि पता चल सके कि किस मापदंड के तहत रिजल्ट को जारी किया गया है। देखने वाली बात ये होगी मामला आगे क्या मोड़ लेता है।